सिटी ऑफ भरतपुर। राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से तकरीबन 186 किलोमीटर दूर बसा भरतपुर राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है, जो प्रसिद्ध है अपने पिंक कलर के ब्यूटीफुल संगमरमर और वर्ल्ड फेमस सरसों के लिए। इतना ही नहीं, भरतपुर राजस्थान का दूसरा ऐसा शहर है जिसको NCR में शामिल किया गया। वेल दोस्तों, यहाँ पर ही मौजूद है राजस्थान का सबसे बड़ा लक्ष्मण मंदिर, जो जाटों के कुल देवता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी है कि भरतपुर में ही प्रोडक्शन होता है राजस्थान का सर्वाधिक वनस्पति घी, और एक ऐसा शहर जिसका संबंध रामायण से है। और फैक्ट तो ये भी है कि यहाँ पर ही मौजूद है राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क, जिसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, भरतपुर को करते हैं एक्सप्लोर और जानते हैं यहाँ की हिडन फैक्ट और मोर इन्फॉर्मेशन। भरतपुर पुराने समय में मत्स्य जनपद का हिस्सा था, लेकिन सन 1733 में बदन सिंह के सबसे बड़े पुत्र सूरजमल ने सोगरिया के रुस्तम जाट को हराकर भरतपुर शहर की स्थापना की। भरतपुर का नाम भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर रखा गया है। लगभग 5064 स्क्वायर किलोमीटर में फैला भरतपुर जिला एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान का 27वां सबसे बड़ा और 7वां सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। वही भरतपुर अपनी बाउंड्रीज को लॉक करता है नॉर्थ में हरियाणा, नॉर्थन वेस्टर्न में अलवर, वेस्टर्न साइड में दौसा, साउथ में करौली व धौलपुर और ईस्टर्न साइड में इंटरस्टेट बॉर्डर उत्तर प्रदेश से। वही 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भरतपुर जिले की टोटल पॉपुलेशन है 25,48,462, जो भरतपुर को बनाती है अजमेर के बाद राजस्थान का 9वां सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट, जहाँ की 84% आबादी हिंदू रिलीजन की है, जबकि 14% मुस्लिम और 2% अदर रिलीजन की। इसके साथ ही भरतपुर राजस्थान का सर्वाधिक जाट पॉपुलेशन परसेंटेज वाला डिस्ट्रिक्ट है। वही राजस्थान की सर्वाधिक सांची जनजाति भी सबसे ज्यादा भरतपुर में है। यहाँ के लोगों द्वारा मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है मेवाती, ब्रज और हिंदी। बात करूँ यहाँ के कल्चर की, तो भरतपुर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा से छटा होने के कारण यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति का प्रभाव थोड़ा कम है। पोशाक के रूप में यहाँ की औरतें साड़ी का इस्तेमाल करती है, जबकि पुरुष धोती और पगड़ी का। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ के फेमस डांसेस की, तो वह है यहाँ का बम डांस, जो नगाड़े और रस्सिया गायन पर किया जाता है। ये डांस मुख्य रूप से होली के दिनों में फसल कटाई की खुशी में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ का लोक नृत्य नौटंकी है। इस डांस के जनक भूरी लाल को माना जाता है। और क्या आपको पता है, भरतपुर को 4 जून 2005 को प्रशासन आपके द्वार प्रोग्राम के तहत राजस्थान का 7वां संभाग घोषित किया गया था, जो आज के समय में राजस्थान का सबसे छोटा संभाग भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि भरतपुर जिले का मैप हूबहू गिलहरी से मिलता जुलता है। वेल फ्रेंड्स, इसी भरतपुर के सेवर में 1993 में इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। मजे की बात तो यह है कि यहाँ पर स्थित है पूरे भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, जो भरतपुर के जाट राजवंश के कुल देवता है। वही अगर मैं बात करूँ भरतपुर के कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स की, तो भरतपुर में टोटल 4 नदियाँ बहती है, जिसमें पहली है बाणगंगा नदी, जो जयपुर के बैराट पहाड़ियों से आती है, जबकि दूसरी है रूपारेल रिवर, जो अलवर के उदयनाथ पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर के मोती झील में समाप्त होती है। वही तीसरी रिवर है गंभीर नदी, जो करौली की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। वेल दोस्तों, इसी नदी के नॉर्थ साइड में स्थित है खानवा का मैदान, जहां पर 17 मार्च 1527 को मेवाड़ के राणा सांगा और मुगल शासक बाबर के बीच में लड़ा गया था खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा को 80 घाव लगे थे। अब बात करें भरतपुर की लाइफलाइन मोती झील की, तो इसका निर्माण कराया था जाटों के पलोटो राजा सूरजमल ने। और मजे की बात तो ये है कि ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं। बात करें भरतपुर के एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें हैं सरसों, गेहूं, धान और पोटेटो यानी आलू। इतना ही नहीं, इसी भरतपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इंजन साब वाले वनस्पति घी का। वही अगर मैं बात करूँ भरतपुर जिले के मोस्टली मजर मिनरल्स की, तो वो है बैराइट्स और संगमरमर। भरतपुर जिले की 80% अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर और संगमरमर पर टिकी है, क्योंकि भरतपुर राजस्थान का तीसरा सर्वाधिक सरसों प्रोड्यूस करने वाला डिस्ट्रिक्ट है, जबकि पूरे देश का सबसे ज्यादा सरसों तेल प्रोड्यूस करने वाला डिस्ट्रिक्ट भी भरतपुर ही है। यहाँ की मिलों से निकलने वाला तेल नेपाल, भूटान और खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और क्या आपको पता है, राजस्थान का सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एकमात्र मिल्क सीलिंग प्लांट भी भरतपुर में स्थित है। इतना ही नहीं, राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना भी भरतपुर के डिग में ही की गई थी। वेल दोस्तों, इसी भरतपुर में मौजूद है सिम्को वैगन फैक्ट्री, जो ट्रेन के डिब्बों और रेल इंजन के बॉडी का निर्माण करती है, जिसको स्टार्ट किया था 1957 में घनश्याम दास बिरला ने, लेकिन हाल ही में इसको कोलकाता के टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड ने खरीद लिया है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 1 RTO मौजूद है, जहाँ के व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है RJ05 RTO नंबर से।
और क्या आपको पता है नेशनल हाईवे 21 भी भरतपुर से ही गुजरता है जो पिंक सिटी जयपुर को उत्तर प्रदेश के बरेली से जोड़ता है। बात करूं भरतपुर के नोटेबल पीपल की तो उसमें है राज बहादुर जो स्वतंत्र भारत के प्रथम टूरिस्ट मंत्री थे। इनका जन्म 1912 में भरतपुर के बसन गेट में हुआ था। जगन्नाथ पहाड़िया जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा व बिहार के राज्यपाल रहे। इनका जन्म 1932 में भरतपुर के भुसावर में हुआ था। डॉक्टर दिगंबर सिंह जो राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर और उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म भी 1951 में भरतपुर के बरखेड़ा फौजदार में हुआ था। और लास्ट में है कुंवर नटवर सिंह जो भारत के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म भी 1931 में भरतपुर के जगीना में हुआ था। अब बात भरतपुर की कर ही रहे हैं तो यहाँ के केवला देव नेशनल पार्क को कैसे भूल सकते हैं जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। इस अभ्यारण में टोटल 300 से भी ज्यादा बर्ड्स और एनिमल्स की वेराइटीज मौजूद है जिसमें साइबेरियन सर्स भी शामिल है जो सिर्फ विंटर सीजन में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। भरतपुर की शान है यहाँ का लोहागढ़ दुर्ग जिसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। ये दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो दुश्मन की सेना द्वारा एक बार भी नहीं जीता जा सका। इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका दरवाजा जो अष्ट धातु से निर्मित है। ये दरवाजा पुराने समय में चित्तौड़गढ़ और लाल किले जैसे दुर्गों का हिस्सा रह चुका है। इसी फोर्ट के अंदर मौजूद है भरतपुर म्यूजियम जिसमें आप पुराने समय के विपंस क्वाइंस छोटे स्टेच्यू और कई सारी पुराने आइटम्स को देख सकते हो। वेल दोस्तों इसी किले के अंदर स्थित है राजेश्वरी माता का टेम्पल जो जाटों की कुलदेवी है। और क्या आपको पता है भरतपुर राज्य की प्रथम राजधानी डीग थी जिसे अमूमन रूप से जल महलों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप आज के समय में सुंदर भवन और फोर्ट के साथ साथ ब्यूटीफुल डीग पैलेस को देख सकते हो। डीग महल में आप रात के समय में शानदार कलरफुल फुवारों वाले लाइटिंग फैंटन के व्यू का एंजॉय भी ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर सावन और भादो के नाम से दो महल भी है जो पुराने समय में राजाओं के विश्राम घर हुआ करते थे। और फ्रेंड्स फैक्ट तो ये भी है कि पूरे राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर सिर्फ भरतपुर में स्थित है जो 84 पोल्स पर बना हुआ एक ब्यूटीफुल हिंदू टेंपल है। वैसे तो फ्रेंड्स राजस्थान का हर शहर अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन अगर बात भरतपुर के कुछ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस की करे तो वह है फोर्ट ऑफ लोहागढ़, लक्ष्मण टेम्पल, म्यूजियम ऑफ भरतपुर, जामा मस्जिद, केवला देव नेशनल पार्क, डिग पैलेस, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। अगर आप भरतपुर को विजिट करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा इंडियन रेलवे, क्योंकि भरतपुर जंक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भारत के हर एक बड़े और छोटे शहर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज़।